वेलकम बैक। तो वीडियो है ध्रुव राठी एनालिसिस वर्सेस रिजवान अहमद काउंटर एट केरला स्टोरी। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये लग रहा होगा कि ये जो ध्रुव राठी है इनमें मोस्ट प्रॉब्ली ये इसने कहा होगा कि केरला स्टोरी प्रोपोगंडा है, फॉल्स है, ये वो है, तो वही होगा। तो चलो शुरू करें। हिट हो जाएगी तो सबको आंसर मिल जाएगा। हिट हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो कंटिन्यूस हिट होती रहे, रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए, लोगों को पता लगेगा बिल्कुल इट्स अ ग्रेट स्टोरी। पठान वठान जो है सब उसके कंपैरिजन में सब पठान में, तो मैं तो बहुत क्लियरली बोलूंगी पठान वॉज प्रो पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान प्रेम दिखा रहा था, वो तो टोटली डिफरेंट, पता नहीं वही जैसे कहते हैं ना स्लो ब्रेन वॉशिंग टाइप लगी थी मुझे। लोग कंपेयर करेंगे उसकी कितनी हुई थी कमाई और इसकी कितनी, उनका पता भी नहीं कितना ट्रुथ होगा कि भैया इतनी हिट थी जो लोग बोल रहे हैं। मेरे को तो बिलीव भी नहीं, केरला स्टोरी की इतनी ज्यादा होनी चाहिए, लोग बोलेंगे तो कमाल है सबको उड़ा दिया। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है। फिल्म में ये कहीं नहीं कहा गया कि 32,000 औरतों के साथ उन्हें कन्वर्ट करके, ध्रुव राठी क्योंकि वकील नहीं है, सोशल मीडिया और जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है वो एक्टिव हुआ है, यंग लड़का है, ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनकी एक स्टूडियो की एक लिमिटेड नॉलेज है, इधर से लिया उधर से लिया, एक चीज को क्रिएट किया और परोस दिया। और सेक्युलर कहलाए, मुसलमानों के लिए ध्रुव राठी सेक्युलर है लेकिन रिजवान अहमद दलाल है। और जहां तक सबूतों की बात है तो मैंने तो साबित ही कर दिया कि ना आरूषी मरी, ना 68 मुसलमान मरे, ना हाल में गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, क्योंकि कहीं भी कोई भी नहीं पकड़ा गया। इतने सेंसिटिव मुद्दों पर ये सिर्फ 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 शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, एक भी बहुत होता है, एक भी जो हाथरस का किस्सा हुआ वो बहुत था, एक बिलकिस बहुत थी, एक दलित को अगर चौराहे पर जाति की वजह से मार दिया जाए क्योंकि अगर वो घोड़ी चढ़ गया तो वो पूरे देश पर प्रश्न चिन्ह है। भाई जाए लो बेवकूफो मूर्खो, तुम कह रहे हो सिर्फ 67 सिर्फ ही है, लेकिन यार गूगल ने जेन्युइन एजुकेशन, हार्ड कॉपी एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, बुक रीडिंग, इसको खत्म कर दिया। लौंडे तैयार हो गए, लौंडे लौंडे, इधर से लिया उधर से लिया, वहां का डेटा वहां का डेटा, एडिटिंग, एक चीज यूं छल के आ रही है, एक चीज यूं उठती हुई आ रही है, एक चीज यूं गाल पर क्रोमा लगाया और भैया नॉलेज के पंडित हो गए। किताब पूरी जिंदगी में चाहे 10 ना पढ़ी। दोस्तों इसको एक तो आप रिएक्शन वीडियो ना समझिएगा, ना इसको रोस्टिंग समझिएगा, ना इसको ट्रोलिंग समझिएगा। ना मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, ना ट्रोल वीडियोस बनाता हूँ, ना रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ। मैं सिर्फ भ्रम और सत्य को लेके वीडियोस बनाता हूँ। सेंसिटिव टॉपिक था और ये जब वीडियो ध्रुव राठी का मुझे भेजा गया, मुझे भी आप लोग बोले थे ना करने को, बहुत मेरा फॉर्मेट नहीं है। फिर जब एक सेकंड पर्सन ने, सम्मानित व्यक्ति ने भेजा और कहा कि रिजवान भाई आपका जो केरला स्टोरी पर जो आपके रिव्यू था FB और YouTube पर बहुत पसंद किया गया है, ये दूसरी तरह का रिव्यू है, जरा इसको देखिए और इस पर अपना कमेंट भी करिए। तो ध्रुव राठी भाई के वीडियो को मैंने अलग अलग स्लॉट्स में, ताकि इनके जो वीडियो का कंटेंट है, जो स्वरूप है वो ना बदले। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने स्वरूप बदलने की कोशिश नहीं की है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट में इनकी कोई चीज यूज नहीं करूंगा, जैसा बोला गया है वैसे ही बताऊंगा। एक उनका मैंने 2.5-3 मिनट के जो उन्होंने बातें बोली उसको मैंने कंपाइल किया है और वर्ड बाय वर्ड मैं आपको इसका जवाब दूंगा, आपको भी दूंगा और उन तक भी ये पहुंचेगा। तो देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। किसके पीछे की कहानी? केरला स्टोरी में जो स्टोरी लाइन लेके चले हैं, जो फिगर्स लेके चले हैं, जो बातें लेके चले हैं, उस पर ये आपका रिव्यू है। किसका रिव्यू है? ध्रुव राठी जी का रिव्यू है। आगे चलते हैं। जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं, 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। कहां की 32,000 गर्ल्स? ये टीजर जो दिखाया गया,
ये कहां की बात हो रही है? इंडियन ने बोला, केरला ने बोला, मुझे तो नहीं पता। एक मूवी में एक लड़की दिखाई गई है जो केरल से थ्रू श्रीलंका, थ्रू क्वेटा, थ्रू पाकिस्तान, वहां ऑक्यूपाइड लैंड ऑफ आइसिस में पहुंचती है। उसका ये कमेंट टीजर में दिखाया गया है, ठीक। उसने ये कब कहा कि 32,000 गर्ल्स केरल से कन्वर्ट होकर मेरी तरह वहां दफन हो चुकी हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस कि जब एक लड़की केरल से वहां पहुंचती है, वहां पर इंटरैक्ट करती है, वहां पर वो एक अपने ज्ञान से, अपनी सोच से, अपने इंटरेक्शन से एक फिगर निकालती है जो वापस भारत आने के बाद वो लोगों को बता रही है मेरी तरह लड़कियां यहां पर, जो कॉमन फैक्टर है वो लड़की है और कन्वर्जन है। अरे 32 ना हो, दो भाई, दो उनकी बीवियां, सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश्ड। इसका मतलब कन्वर्जन एज अ बीमारी एग्जिस्ट करता है एंड ब्रेन वॉशिंग एज अ बीमारी एग्जिस्ट करती है। कितना करती है लोगों को ब्रेन वॉश कर, ये एक सिनेमैटिक लिबर्टी है डायरेक्टर को बताने के लिए, और हमारा विवेक है उससे सही चीज ढूंढ के निकालने के लिए। जब बॉर्डर पिक्चर बनी थी तो जितने भी उसमें स्टार कास्ट थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे, ठीक, खन्ना थे, विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना, वो स्टोरी उन पर बेस्ड थी। लेकिन उससे पहले जो गांव के अफेयर चिट्ठी आती है उन लोगों के अफेयर हो रहे हैं, बीएसएफ के सुनील शेट्टी रात को अपनी सुहागरात बनाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा तो हुआ नहीं था, एक्चुअल में ऐसा हुआ था नहीं, हुआ था ना, you can't tell। तो सिनेमेटिक लिबर्टी उस चीज को कहा जाता है कि मूल बिंदु मैं आपको सत्य दिखाऊंगा और उसके इर्द गिर्द मैं सिनेमेटिक लिबर्टी लेकर अपनी फिल्म को एक फिल्म की तरह, एक ऑडियो विजुअल मीडियम की तरह, ताकि उसका मैसेज दूर तक जाए, ये लिबर्टी मेरी है। वरना जो केरल स्टोरी बनी थी ये एक घंटे की ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी। तो जब एक आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, तो जैसा मैंने बॉर्डर फिल्म का एग्जांपल दिया और बहुत सी फिल्म्स का एग्जांपल दिया, टाइटैनिक का एग्जांपल दिया, टाइटैनिक के अंदर जो जो होता हुआ दिखाया है, तो किसी को क्या पता, ध्रुव राठी भाई क्या टाइटैनिक के अंदर ऐसा ही ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। मोटा मोटा फिगर, मोटी मोटी स्टोरी लेकर चला जाता है। बिल्कुल। जब कारगिल पर पिक्चर बनी, कैप्टन बत्रा पर पिक्चर बनी, तो कारगिल में 590 हमारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन जब बत्रा पर, कैप्टन बत्रा शहीद पर पिक्चर बनी अभी हाल में आई थी, तो कहा गया एक फौजी की कहानी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले 590 बताया गया फिर बाद में मूवी में एक बता दिया गया। प्रोटैगनिस्ट एक मूवी का एक छोटा करेक्टर होता है, और मूवी फैक्ट्स के जो होते हैं उस सर्कमस्टांसेस के, इफ इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स, इर्द गिर्द घूमती है कहानी अलोंग विद सिनेमेटिक लिबर्टी। इस वर्ड को समझ लीजिए, सिनेमेटिक लिबर्टी, जो डायरेक्टर का अधिकार होता है। आगे चलते हैं। चार औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। औरत कोई भी हो, इसका मतलब भारत से थ्रू सम नेशन वो ऑक्यूपाइड लैंड लड़ने के लिए गई, रेडिकलाइज होके गई। कोई भी हो, कोई मुस्लिम औरत भी नहीं जाएगी, क्यों जाएगी, पर ये चार गईं। मैंने मान लिया ये चारों मुस्लिम थी, तब भी सवाल उठता है क्यों गईं। तो मतलब जैसा मैंने पहले बताया, बीमारी थी,
रेडिकलाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं। मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर, जो सच्चाई है। अपने ही देश के एक राज्य को मजा आता है लोगों को बदनाम होते देख झूठ के बेसिस पर। अभी इस वीडियो में आपको साबित करूंगा कि अपने ही देश की आर्मी को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है, और राज्य तो छोड़ो अपने पूरे देश को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है। आगे देखिए। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 32 इंडियंस ने आईसीएस को ज्वाइन किया, क्या 2015 में जब पता चला सिर्फ 29 इंडियन, सिर्फ आज के वीडियो का क्या नाम है, एक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 66। ये सिर्फ शब्द पर आज खेलूंगा, सिर्फ सिर्फ मेंटालिटी ऐसी है, सिर्फ। आगे चलिए। एक भी नहीं होना चाहिए। 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती था। पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, तो एक चीज हमारे भाई ध्रुव राठी ने जो इधर का ईट उधर का रोड़ा उधर का लेके आओ डेटा, एक चीज ये खुद मान के चल रहे हैं कि पीएफआई ने फैसिलिटेट किया था, और ये मुख्यमंत्री को पूर्णतः कोट कर रहे हैं, उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस बात से ये बात साबित हो जाती है कम से कम कि पीएफआई का बैन सही हुआ। आई रियली डोंट नो कि पीएफआई का बैन सही हुआ, और मुख्यमंत्री के इस बयान के आधार पर मेरे भाई ध्रुव राठी ने कोई वीडियो गवर्नमेंट को बधाई के लिए बनाया था या नहीं बनाया था, आई रियली डोंट नो। आगे देखते हैं। परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, इतनी और रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी। दूसरी, इतनी बार रिपीट किया जाता है एक बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। 90 लोगों की लिस्ट एनआईए को दी गई जिसमें वो ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज केरल में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, सबूतों के अभाव में। किसके अभाव में? सबूतों के अभाव में। दोस्तों आगे चलते हैं। और हमारे साथी ने यह भी कहा कि एक राज्य को बदनाम करने में लोगों को कितना मजा आता है, और सिर्फ 29, 67, 110। अभी आप आगे देखेंगे, अभी मैं 32,000 की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म में 32,000 कन्वर्ट करके केरल की लड़कियां ऑक्यूपाइड लैंड भेजी गई, ये लाइन कहीं नहीं आई है। टीजर में ये लाइन जो प्रोमो में आई, वो डायरेक्टर जब पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, 9 घंटे की बनती है, जिसको एडिट करके 2.5 घंटे का किया जाता है। हो सकता है कि टीजर का जो डेटा था, जो 9 घंटे का डेटा था, उसमें कोई ऐसा शॉट हो कि इस लड़की को अफगानिस्तान में कोई अफगानी औरत ये बात बता रही है कि पूरी दुनिया से 32,000 औरतें कन्वर्ट होकर यहां लड़ने के लिए आई हैं, और उस बात को ये लड़की यहां पर किसी को सेकंड पर्सन में कोट कर रही है, जो बाद में मूवी के रिलीज होने कोई बड़ी बात नहीं है, केरला से ही 32,000 गई, कुछ भी हो सकता है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों है। कोई सोचता है कि प्रेशर में एडिट किया कि 7 दिन पहले लोग अपोज करने लगे, तो 7 दिन बाद जो मूवी आई उसको एडिट कर दिया, तो मूर्खों और जाहिलों को और गटर छापों को बता दूं कि एक मूवी से तैयार होने के बाद 30 सेकंड का सीन एडिट करने में डायरेक्टर और एडिटर की आंधी आ जाती है और हफ्तों लग जाते हैं। ठीक, तो 32,000 का फिगर मूवी में कि कन्वर्ट करके लड़ने के लिए भेजी गई, कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सिर्फ इतना यूज हुआ है कि मिसिंग है या कन्वर्ट करी गई हैं। एक जगह मिसिंग वर्ड यूज हुआ है, एक जगह कन्वर्ट यूज हुआ है। तो जो लव जिहाद केरला की बात थी, उसमें सबूतों के अभाव पे एनआईए ने ये बात बोल दी कि ऐसा सबूत नहीं मिले ना, क्योंकि इतनी स्मार्टली किया होगा ये सब। एनआईए को सेक्युलर मानने वालों, आज से 30 साल पहले मेरठ के दंगे में पीएसी ने 68 मुसलमानों को हिंडन नदी के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी।
पीएसी ने अपनी दो ट्रकों में बिठाकर, ठीक है, आज से 15 दिन पहले सबूतों के अभाव में सब पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए, जितनों की डेथ हो गई जितने जिंदा थे, यानी 68 मुसलमान मारा ही नहीं गया क्योंकि सबूत नहीं थे, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया। आज से एक महीना पहले गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें मुस्लिम फंसे थे, फायरिंग में कौन फंसा था? पीएससी वाले हिंदू फंसे थे। बॉम्ब ब्लास्ट केस में कौन फंसा था गुजरात के? मुस्लिम फंसे थे। आज से एक महीना पहले उन मुसलमानों को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए ही नहीं थे। तो मैं बताऊं, सच्ची में बड़ा दुख होता है जो केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ऐसी स्टोरीज पे अगेंस्ट बोलने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ये गलत स्टोरीज बनाई हैं। अरे तुमको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए ताकि अवेयरनेस हो सोसाइटी में, गलत चीज़ें जो है सोसाइटी से हट जाएं, लोगों में अवेयरनेस आए, ऐसी बात ना हो। एक भी बंदे मेरा के साथ हुआ, एक भी बंदे के साथ हुआ, वो बता रहे हैं आपको कि सोसाइटी में ऐसा हुआ था और ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये सबको रियलाइज हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि एक ट्रुथ तो यही है कि आप केरला की पॉपुलेशन देख लो कुछ सालों पहले और अब देख लो भैया उसमें क्या चेंजेस आए, उस पॉपुलेशन में रिलीजन बेस पे कितने चेंजेस, कौन सा रिलीजन आगे बढ़ा है, उसकी ज़्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, उससे भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। उससे बड़ा और क्या प्रूफ आपको मिलना की ज़रूरत होगी, बताओ। तो वही क्वेश्चन है ना, मैं तो बस वही बोलूंगी कि आप देख लो और रिलीजन में क्या हो, क्या हुआ है उस एरिया में वो बता दो। किसी ने 7 साल मेहनत की, रिसर्च की, पूरा निकाला, प्रूफ किए, अलग से वीडियोस बनाए प्रूफ के, इतनी मेहनत की दिखाने के लिए कि देखो पकड़ी भी गई, आईएस पता भी लगा कि इंडिया से आईएसएस में गई थी, उन्होंने बता दिया ये हुआ था, एग्जाम्पल दिखा दिए, ये जो 4 लड़कियां हैं इनके साथ ये हुआ था और एक बता सबके लिए बता दिया। अरे इतनी, इससे लोगों को समझाना चाहिए, ओ माय गॉड के ऐसे ब्रेन वॉश होता है। आधी जनता को तो लगता था कि ब्रेन वॉश क्या चीज होती है, तुम पागल हो जो ब्रेन वॉश हो जाएगा, को बताएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इन्होंने दिखाया कि दैट इज हाउ इट इज डन वेरी वेल प्लान्ड, अच्छा दिखाया कि बंदे को बता गया वो पता ही नहीं चल रहा कि आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। नाउ पीपल अंडरस्टैंड। और हमने एक डॉक्यूमेंट देखी जिसमें एक फुटेज देखी जिसमें कितनी सारी लड़कियां खड़ी हुई थी मूवी देखने के लिए, सबको देख रहे हैं कि हुआ क्या था। लड़कियों को अवेयरनेस चाहिए कि अब मेरे को समझ आ गया कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। उससे चीजें में बहुत निकली कि हर इंसान को अपने कल्चर के बारे में ज्यादा बताना चाहिए, सो दैट बी कॉन्फिडेंट इन योर कल्चर। बिल्कुल। और कितनी ऐसी वीडियोस हमने देखे जिसमें ये जो कन्वर्ट करने की कोशिश में होते हैं उन्होंने खुद ही बोला हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो खाली इंडिया को नहीं, हम तो पूरे वर्ल्ड को ये करना चाहते हैं। तो भैया इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? और आप किस, आप ऐसे क्यों गलत, किसी ने कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है उसको इस टाइप से अंडरमाइन क्यों करते हो? तो थोड़ा सोच के कि लोगों को समझ आए कि इट इज अ वेरी गुड मूवी। हमने जो है मूवी नहीं देखी अभी, यहाँ आई नहीं है, बट हमने जो ट्रेलर देखा था इट वॉज अमेजिंग। हाँ, तो किसी को भी अगर आप ऐसी वीडियोस देख के आपको डाउट क्रिएट होता है तो नेवर, यू नो, बेटर नॉट टू वॉच दोस काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि उनका अपना ही कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, वो अपना ही है, वो अपना कर रहे हैं। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।